Chef, voy a ayudar. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश के लिए मैं आज आपको कहने आया हूं भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती है, ये सपा पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती है। रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लाकर मुसलमानों को आरक्षण देने का षड्यंत्र एक कांग्रेस पार्टी ने करा। मैं आज सीतापुर वालों को बताने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे, नहीं देंगे। भाई और बहनों, मुसलमानों को नौकरी में 15% का आरक्षण, एक कांग्रेस वाले कहते हैं भारत के दो टुकड़े करो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, आतंकवादियों के साथ बातचीत करो, उनको बिरयानी खिलाओ, कश्मीर में 370 मी कलम वापिस लाओ और ट्रिपल तलाक वापिस लाओ। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, अच्छा किया या नहीं किया? जोर से बोलो जरा, अच्छा किया या नहीं किया? नरेंद्र मोदी जी ने सबको न्याय देने का काम किया है। भाइयों और बहनों, अपने सांसद राजेश वर्मा जी ने ढेर सारे काम सीतापुर के विकास के लिए किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये चुपचाप मेरी बगल में खड़े हैं, मगर जब सीतापुर की बात आती है, अच्छे अच्छों से राजेश जी आपके लिए लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर। 1000 किलोमीटर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्राम सड़क योजना का रोड बना है, तो राजेश और नरेंद्र मोदी ने अपने सीतापुर में बनाने का काम किया है। सीतापुर बाईपास से नवीन चौक ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, विश्वास सीतापुर मार्ग पर क्रॉसिंग और ओवरब्रिज बना, रोडवेज के बस स्टैंड पर क्रॉसिंग बनाने का काम किया और शारदा नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति भी राजेश जी लेकर आए। ग्रामीण आवास योजना, 2 लाख गरीबों को अपना खुद का घर दिया, 6 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 7 लाख गरीबों के घर में पीने का पानी पहुंचाया, 7 लाख माताओं को शौचालय इज्जत घर देने का काम किया, 6,27,000 किसानों को 6,000 का चेक हर साल दिलाया और मुद्रा योजना में 31,000 लोगों को ऋण दिलाने का काम हमारे राजेश जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी देश को सुरक्षित कर रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश को विकसित कर रहे हैं और राजेश जी सीतापुर के गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। मुझे बताओ सीतापुर वालों, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं मिलता है क्या? इनको तीसरी बार सांसद बनाकर भेज दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
मुझे बताओ सीतापुर वालों, राजेश जी को बड़े बहुमत से जिताओगे क्या? ऐसा नहीं भाई, पूरा पेंडोल दो हाथ उठाकर बोले राजेश जी को बड़े बहुमत से जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। इतनी देर तक बैठकर हम सबों का स्वागत करने के लिए सीतापुर वालों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।